दुनिया के लिए मूवमेंट है। सभी जनपदों से बताया जा रहा है, LIU की यहाँ की रिपोर्ट है कि यहाँ से भी कुछ लोगों का मूवमेंट है। जो आयोजक हैं उनसे बात हो गई है, किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है। बाकी पुलिस ड्यूटी हमने ट्रैफिक ड्यूटी और पुलिस ड्यूटी इसके लिए लगा दी गई है। हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हिंदू जागरण मंच व RSS के वैचारिक संगठन उन्नाव से लगभग 15,000 लोग उन्नाव से आज रात की 10 बजे कूच करेंगे। 200 बसों लगाई गई हैं जिससे यहां से अयोध्या के लिए कूच करेंगे और मंदिर भव्य बने, इसका हम सब लोग एक संकल्प ले रहे हैं। आज जो हिंदू जागरण मंच ये यात्रा निकाल रहा है, जन जागरण संकल्प यात्रा है, हर एक बच्चा बच्चा राम का है, जन्मभूमि के काम का है, ये संकल्प लेके हम सब अयोध्या कूच करेंगे और भव्य मंदिर बने ऐसा सरकार से निर्माण करने के लिए मांग करेंगे। काशी से ही नहीं, अपितु हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान से कम 20 करोड़ हिंदू भाई हमारे पहुंच रहे हैं अयोध्या में, और हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है और जल्द ही आप लोग वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और भव्य राम मंदिर जल्द ही बनने जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते धर्म संसद का आयोजन किया जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि राम मंदिर मुद्दे ने अब भारत में तूल पकड़ लिया है। आज वाराणसी से सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या की ओर रवाना हो चुके हैं, जो कि कल अनेक संत साधुओं के साथ और शिवसेना के लोगों के साथ धर्म संसद में हिस्सा लेंगे। अरिमा द्विवेदी, ETV, वाराणसी। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, आगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल राम मंदिर चाहिए और हम दोनों जगह मजबूत हैं और राम मंदिर के पहले हमारा कोई समझौता नहीं। इसमें हम किसी बात पर अपने लोग कोई अपने को वापस नहीं करेंगे जब तक राम मंदिर हमारा भव्य राम मंदिर अयोध्या में नहीं बन जाएगा। कल हम लोगों का जो भी श्री राम जी को मानते हैं सभी लोग, चाहे वो बजरंगी दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या किसी राजनीतिक संगठन का व्यक्ति हो, हम सभी लोग वहाँ जाएंगे। कल हम लोगों की एक धर्म सभा है, उसमें बैठ के हम लोग अपने श्री राम जी का भव्य मंदिर कैसे बने वहाँ चिंतन करेंगे और कल ही एक कोई डेट निर्धारित होगी जिस पर हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ मंदिर का निर्माण करेंगे। हम लोग अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के विषय में, वहाँ धर्म सभा का आयोजन है, उस धर्म सभा में जा रहे हैं ताकि राम मंदिर की जो कार्यवाही अभी तक रुकी हुई है वो अग्रसाहित हो, आगे बढ़े, उसमें गति आवे, भगवान राम की वहाँ स्थापना मंदिर में हो, इस विषय के लिए हम लोग वहाँ जाए। चलो श्री राम। 25 तारीख को जो अयोध्या में एक सम्मेलन होना जा रहा है साधुओं का, तो कन्नौज से कितने लोग जाने की उम्मीद है? कन्नौज जिले से हमको उम्मीद है 2,000 से 3,000 व्यक्ति जाने की उम्मीद है। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? नहीं, सब स्वतः स्फूर्त व्यवस्था, स्वयं सेवकों का काम है, अपने साधनों से, अपनी व्यवस्थाओं से, गाड़ियों से, जिस ट्रेन से, अपना भोजन, अपना पानी, अपनी व्यवस्थाओं से। तो किस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं? बस अपने जो है संतों का आह्वान है उस पर जाना है और रामलीला के दर्शन करके वापस आना है। कुछ राम मंदिर को लेकर भी वहाँ चर्चाएं होंगी वहाँ पर, उसमें भी कुछ वहाँ पे जैसे संत लोग जैसा निर्देशित करेंगे, आगे जो है उनका जैसा आह्वान है, जैसा निर्देश देंगे वैसा। हमने अपील करिए, निवेदन हम कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर, अयोध्या का कल कार्यक्रम है, सब लोग वहाँ पहुँचे, हम खुद भी वहाँ पहुँचेंगे, हम निवेदन कर रहे हैं, यही बस हमारी तैयारी है।
पार्टी के गाइडलाइन है इसमें? देखिए, पार्टी का कोई इसमें गाइडलाइन नहीं है। मैंने फिर बोला, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, तो हम अपने आराध्य को लेकर बस वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं।